नमस्कार दोस्तों, एक बार नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मौजूद हैं हम धनबाद रेलवे स्टेशन में, धनबाद जंक्शन में, जिसको डायमंड सिटी भी कहते हैं और काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे ब्लैक डायमंड सिटी शहर के नाम से यहाँ पे कोयला ही कोयला उत्पाद किया जाता है, निकाला जाता है, जो कि पूरी तरीके से पूरा धनबाद एरिया आपको माइंस एरिया मिलेगा। BCCL, ECCL बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि यहां पे अलग अलग जो है कोयला प्रोडक्शन करती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि धनबाद में स्थित DGMS ऑफिस आप कैसे जाएंगे और क्या क्या चीजें। आप देख सकते हैं कि अभी हम रेलवे स्टेशन है और इस वीडियो में आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड का दोनों का दृश्य दिखाएंगे और यहां से पहुंच के दिखाएंगे DGMS आप कैसे पहुंचेंगे। तो DGMS ऑफिस पहुंचने के लिए सबसे पहले देख सकते हैं कि अभी मैं रेलवे स्टेशन के अंदर था, अब मैं बाहर आ चुका हूं। ये बाहर का अद्भुत नजारा देख सकते हैं, जहां पे सारी सुविधाएं, ATM वगैरह, आपको यहां से पैसा वगैरह निकाल सकते हैं। ये प्रवेश द्वार है, एंट्रेंस गेट है धनबाद रेलवे स्टेशन का, जहां से आप इन करेंगे और जब आप एग्जिट होंगे, जब आप DGMS ऑफिस जाएंगे तो यहीं पे उतरना पड़ेगा रेलवे स्टेशन में, अगर आप रेलवे से आ रहे हैं। और यहां से उतरने के बाद आपको बाहर से बहुत सारे ऑटोज वगैरह मिलेंगे जिसके सहारे से आप DGMS ऑफिस जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहां पे SBI का ATM भी है, खाने पीने का सुविधा। अगर आपको DGMS ऑफिस जाना है तो यहां से रेलवे जंक्शन से जैसे ही उतरेंगे, जो सामने ये ऑटोज वगैरह मिल रही है, ये ऑटो आपको पकड़ना पड़ेगा। ऑटो आपको 20 रुपया किराया लेगी और यहां से आपको जो है DGMS ऑफिस पहुंचा देगी। 20 रुपया किराया देके आप अगर रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो 20 रुपये में आप जा सकते हैं DGMS ऑफिस। जो भी माइनिंग से रिलेटेड काम है या फॉर्म वगैरह फिलअप करना है वो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उसी के सामने लवली प्रकाशन पड़ता है, जहाँ पे आप बुक्स वगैरह ले सकते हैं, जस्ट DGMS ऑफिस के सामने पड़ता है। तो ऑटो वाले को किसी को भी बोलेंगे कि हमको लवली प्रकाशन जाना है या फिर आपको DGMS ऑफिस जाना है, तो आपको धनबाद जंक्शन से वहाँ पहुँचा देगी। या फिर अगर आप बस स्टैंड में उतरते हैं तो वहाँ से भी आप ऑटो पकड़ सकते हैं और 20 रुपये वो किराया लेंगे और आपको DGMS ऑफिस पहुँचा देंगे। फिर वहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ से जो आपका माइनिंग का जो भी रिलेटेड काम है वो DGMS ऑफिस में आप कर सकते हैं और लवली प्रकाशन में बुक वगैरह ले सकते हैं। अगर आप ओवरमैन या फिर माइनिंग सरदार के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको वहीं पर दिखाना पड़ेगा। एक दुकान है बगल में अंकल का, जो कि लवली प्रकाशन के जस्ट बगल में पड़ेगा, वहाँ पर आप फॉर्म वगैरह चेक करा के और फिर आप जो है आगे जो है आपको एक मिलेगा पोस्ट ऑफिस, जहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं और फिर कुरियर के द्वारा भेज सकते हैं। तो DGMS ऑफिस जाने के लिए ये दो सुविधा है। अगर आप कोई भी राज्य से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो रेलवे स्टेशन में उतरते हैं तो 20 रुपये किराया देंगे, आप कभी भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अगर आप बस स्टैंड से आ रहे हैं, वहाँ से भी 10 से 20 रुपये किराया देंगे तो आपको DGMS ऑफिस वो पहुँचा देंगे। दोनों जगह से ये सुविधाएँ हैं। और ये रेलवे जंक्शन का हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। रेलवे जंक्शन में जैसे ही आप उतरेंगे, देखिए अभी हम अंदर से उतरे, तो अंदर से जैसे ही आप उतरेंगे बाहर आएंगे, यहाँ पे जो ऑटो लगी हुई है मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे ऑटो हैं। इन ऑटो के सहारे आप जा सकते हैं और देख सकते हैं और यहाँ से फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये है आपका सुविधा जो कि धनबाद जंक्शन में मिलती है। और अगर आप दूसरे जगह से आते हैं तो भी यहाँ से मिल जाएगी, और कहीं से भी आते हैं, कोई भी राज्य से आते हैं, तो हमेशा आपको यहाँ पे अवेलेबल जो है ट्रेनें वगैरह वो आपको यहाँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप रेलवे स्टेशन से बस पकड़ेंगे और सीधा डायरेक्ट आपको DGMS ऑफिस 20 रुपये आपको किराया लेगा, ऑटो वाला कभी भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। DGMS ऑफिस का ये सुंदर अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं, जो कि हीरापुर में मौजूद है। अगर आप DGMS ऑफिस की कोई नहीं जानता तो उनको हीरापुर भी बोलेंगे, वो आपको हीरापुर पहुँचा देंगे। हीरापुर के जस्ट बगल में DGMS, जो कि आपको ये पूरा ग्राउंड दिख रहा होगा, बहुत ही बड़े स्पेस में है। ये अंदर का अद्भुत नज़ारा जब अंदर जाएंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है जनरल ऑफ माइन सेफ्टी धनबाद। तो DGMS ऑफिस माइनिंग रिलेटेड जो भी काम होता है आपको यहीं पे आना पड़ेगा, चाहे आप ओवरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई भी मैनेजर, फर्स्ट क्लास मैनेजर, सेकंड क्लास मैनेजर, आपको एग्जाम के लिए तो यहीं पे आना पड़ेगा। ये मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है, दो गेट है जो कि हीरापुर मेन रोड के बगल पर पड़ता है। दोनों में आप घुस सकते हैं, दोनों सकते हैं। यहाँ पे गार्ड हुए रहते हैं जिनके द्वारा फिर एंट्री करके आप जो सामने जो नया बिल्डिंग बना है इसमें जाके अपना काम कर सकते हैं। नए बिल्डिंग में आप कभी भी जा सकते हैं, हमेशा अवेलेबल होता है, दिन में आप 10 बजे के बाद यहाँ पे खुला रहता है। इसके साथ साथ इसके सामने लवली प्रकाशन है, जहाँ पे जो भी आपको बुक्स होते हैं माइनिंग से रिलेटेड, उन बुक्सों को आप यहाँ से खरीद सकते हैं। पूरी तरीके से स्वच्छ रखा गया, हज़ारों की संख्या में जब लोग जाते हैं तो आंदोलन इसी गेट के सामने करते हैं। तो जब भी आप जाएंगे ये बिल्डिंग आपको दिख जाएगा, रेड कलर का आप देख सकते हैं, इसी तरीके से पूरा बिल्डिंग बना। ये सामने जो है DGMS ऑफिस के जस्ट सामने देख सकते हैं लवली प्रकाशन है, जहाँ पर जो है आप फर्स्ट एड वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, साथ में कोई भी बुक है वो ले सकता है। DGMS ऑफिस के बगल में ही एक है फोटोकॉपी का दुकान, जहां पे आप फॉर्म वगैरह जब भी भरते हैं तो यहां पे दिखा देंगे, तो आपको फॉर्म अप्लाई फिर से वो कर देंगे अच्छे से बना के, जो कि 150 से 200 रुपया लेते हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था DGMS ऑफिस का।
आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और DGMS ऑफिस के बारे में और कोई जानकारी चाहिए कोई भी रिगार्डिंग तो ज़रूर बताएं कमेंट में, हम उसका भी जानकारी देंगे। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियोज़ में हम फिर मिलेंगे माइनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो लवली प्रकाशन और DGMS ऑफिस, ये दोनों मैंने आपको बताया और वीडियो में सारी जानकारी आपको बताया कैसे आप जाएंगे, एक चीज़ दिखाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।